सिखाया था आपको, दो रूप सिखाए थे, राइट? आपको मैंने दो रूप सिखाया था उस दिन। हाँ जी, कौन सा सिखाया था? एक उलायत और एक बोरोवाफ, यानी कि टू राइट और वेरी गुड। हाँ, मतलब मैं लिखता हूँ और मैं बोलती हूँ, ठीक है। अब तीसरा है चौवक। चौवक मतलब देखना। ओके, चौवक मतलब देखना। देख लो। अलग अलग रूप, चौबक मतलब देखना। हाउ चौता मतलब मैं देखता हूँ। हाउ चौता, हाउ टीवी चौता मैं टीवी देखता हूँ। हाउ टीवी चौता, आई एम सीइंग टीवी। आमी टीवी चौता, हम टीवी देखते हैं। यानी कि हम हम टीवी देखते हैं। तू टीवी चोयता, चोया मतलब तू टीवी देखता है। चोया मतलब देखता है। हाँ, तू टीवी चोया, चोया मतलब टीवी देखता, तू टीवी देखता है अभी प्रेजेंट में। यहाँ पे देख रहा है या देखता है बोथ आर सेम। तुम्ही चोयता, चोयता मतलब आप टीवी देखते हो या आप टीवी देख रहे हो। जब हम चोयता करते हैं तो मतलब देख रहा है, दोनों बोथा सेम। यहाँ पे कोंकणी में देख रहा या देखता है बोथा सेम। तुम्ही टीवी चोयता, मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे चोयता और कहाँ पे तू टीवी देख। विदाउट रिस्पेक्ट है, तू टीवी चाय है विदाउट रिस्पेक्ट। अच्छा, तो मतलब चौथा हो गया इनफॉर्मल और चौथा तो हो गया फॉर्मल। विद रिस्पेक्ट, हेलो, विद रिस्पेक्ट, चौथा मतलब विद रिस्पेक्ट। आप टीवी देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो। ओके ओके, तो टी ते चौर्यता मतलब वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देखता है। और ते चौयता वह देखता, वही लोग देखते हैं। जो राइट साइड वाला ते है इसका मतलब वे लोग, वे लोग, दे आर, आई वी यू यू ही शी इट दे आर। हाँ मतलब आई, अहमी मतलब हम, तू मतलब तू या तुम, तुम्ही मतलब आप, तो ती ती, तो मतलब, तो मतलब वह, ती मतलब, तो मतलब वह मस्कुलिन, ती मतलब फेमिनाइन, ते मतलब ही शी इट, ते मतलब दे आर। क्लियर? हाँ जी मैम। अब देख, ऐसा है धाड़प। धाड़प मतलब है बेचना, टू सेंड। अब देखो मैं ना धीरे धीरे, अभी आपको ग्रामर आ जाएगा, धीरे धीरे स्टेटमेंट फ्रेमिंग सिखाऊंगी, पर ये हमें बेसिक जरूरी होता है। हाँ दत्ता, दत्ता मतलब मैं बेचता हूँ। हाँ अकाउंट नंबर, आई एम सेंडिंग अकाउंट नंबर। आमी दत्ता, हम भेज रहे हैं। तू धात, मतलब यहाँ पे धाता या धात
यहाँ पे अलग है तू धार, जो तू वाला रूप है देख हर जगह पे अलग आता है, उसमें चॉय आया इसमें धार आया, तो तू धार मतलब यू सेंड, तुम ही धत्ता आप भेजो, आप भेज रहे हो, तो ती ते धत्ता और ते धत्ता। आपकी आवाज कट रही है, आप दोबारा बोलोगे एक बार जो आपने लास्ट में बोला? हाउ धत्ता आमी धत्ता तू धार तुमी धत्ता तो ती ते धत्ता और ते धत्ता। क्लियर? मैं फोन कराऊंगी थी। मतलब मैं भेजता हूँ, हम भेजते हैं, तू भेजता है, आप भेजते हो, वह भेजता है, वे लोग भेजते हैं या भेज रहे हैं। ओके ठीक है मैम, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then they use the following interrogative pronouns. Who मतलब कौन? मैं मतलब कहना, कब? कहना। हाँ। Who मतलब कोणाक? कोणाक। Which मतलब खायचे? खायचे या खायचे? खायचे, खा पर बिंदी, खायचे। व्हाट मतलब किते? व्हाट मींस किते? हु मतलब कौन? कौन? मुर्गो, कौन मुर्गो? मुर्गो मतलब लड़का, कौन सा लड़का, कौन मुर्गो? When कहना, whom कोणाक, which खाएंचे, what मतलब कीते। क्लियर? यस सर। ठीक, अभी समझ आएगा। Who is he? तो कौन, वह कौन है? Whose pen is this? है मतलब यह, कोणाचे पेन, यह किसकी पेन है? चाची चे मतलब काकी के, जिसको मैं एपोस्ट्रोफी कहता हूँ। हूज पेन इज दिस, यह किसकी पेन है? मतलब यह कोणाचे, किसकी पेन है। हूज डिड यू गिव द मैसेज? तुवे नीरव कोणाक दिलो, मतलब तूने मैसेज कोणाक किसको दिया, नीरव मतलब मैसेज। हु इज योर बुक? तुझे पुस्तक खाइचे, मतलब Which is your book? तेरी बुक कौन सी है? तुझे मतलब तेरी, पुस्तक मतलब बुक, खाइचे मतलब कौन सी है। What is he doing? तो मतलब वह, किते मतलब क्या करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, इट्स टेकिंग टाइम, थोड़ा फैमिलियर होने में। Of whom are you speaking? मतलब तुम किससे बात कर रहे हो। तो कोणाचे, किसके साथ? उलैता, उलैता मैंने सिखाया था आपको, ओवरलव टू टॉक। ठीक है, उलैता मतलब तू किससे बात करता है। तो ती ते वाला रूप देखो, देखो मिलेगा उलैता। क्लियर? मैम आप तू की जगह तुम्ही भी लगा सकते हैं क्या? क्या तुम्ही, तुम्ही कोणाचे उलैता? अभी तू है ना, विथाउट रिस्पेक्ट आएगा।
हाँ तुम्ही कौन आचे उलैतात उले तात, जब हम तुम्ही उलैतात लगाएंगे तो तात हो जाएगा। उलायत आया ना उलायत, तुम्ही कौन आचे उलायत, आप किससे बात कर रहे हो अच्छा उलायत। आमी आया तो हम राम, ठीक है रामाचे उलैतात, हम राम से बात कर रहे हैं, रामाचे उलैतात, आमी के साथ आया उलैतात, ठीक है। मैम, ये फिक्स्ड होता है कि हाम के साथ आएगा तो उलायत उलायत हम होगा जैसे और हिंदी मिलके। कैसे, हिंदी कैसे बोलते हैं, मैं करता हूं मैं करती हूँ, हम करते हैं, तू करता है या तू करती है, आप करते हो, तू कर तू 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 मतलब तू करता है तू करती है, आप करते हो, तू करते हो थोड़ी बोलते हैं। हेलो तो ये मतलब हाँ मतलब ये फिक्स होते प्लीज हैं क्या? समझ, आई एम टॉकिंग, वी आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, ही शी इट इज टॉकिंग, दे आर टॉकिंग, राइट। आई तो हम जिसके साथ जो रूप लगता है प्रेजेंट डे साथ वो सेट होगा ना, सब्जेक्ट चेंज नहीं अच्छा होता, सब्जेक्ट तुझे टाइम लगेगा, जैसे हाँ वह तो फ्यूचर टेंस में भी मैं ही आएगा। हिंदी हिंदी सीख पहले, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं करता हूं मैं करती हूँ, हम करते हैं, तू करता करती आप करते हो, वह करता करती वे लोग करते हैं। अब मैं किसी को हिंदी सिखाती हूँ तो क्या करूंगी, मैं करता था हम करते थे तू करता था हम, सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, पर था थी थे से हमें समझ जाता है कि दे आर टॉकिंग इन पास्ट टेंस, राइट। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है शिखा। यस मैम, ये समझ आ रहा हाँ जैसे हिंदी में मैं किसी को अंग्रेज को सिखाऊंगी तो क्या बोलूंगी, दागी ये आया मतलब फ्यूचर टेंस, अंडरस्टूड। मैं है। आऊंगा यस मैं जाऊंगा, अब जैसे साउथ इंडियन है वो कितनी मिस्टेक्स करते हैं पता है ना, बंगाल वाले और साउथ इंडियन, क्योंकि वहां पे उनमें एक अलग अलग तरीके के टेंसेस नहीं है, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूंगा, है ना, तो लोग फंसते तो टेंसेस में ही फंसते, टेंसेस है। मैं ओके है ना, वो प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस, जो 12 टेंसेस है वही लगेंगे तुम्हें, प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पहुंच रहा मैं काम कर चुका, चुकी चुके मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, मैं कर चुका था, मैं क्लास ले चुकी थी, आई हैव कंप्लीटेड, राइट। ये जो टेंसेस है वो भी यही है, तो आप टेंशन मत करो, जिसके साथ जैसे सब्जेक्ट वही के वही रहेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बट ये जो उलैता वाला जो रूप है वो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर, क्लियर, यस ठीक है। ये लर्न एंड फन करो, टेंशन मत करो, हो गया। अब देख फन कराती हूँ और हल्के फुल्के, ये हमने नहीं किया था। व्हाट इज योर फुल नेम, तुझे पूरा नाउ की थे, व्हाट इज योर फुल नेम, तुझे मतलब तेरा, पूरा है मतलब पूरा, नाव मतलब नाम, कितने मतलब क्या है, मजे पूरा है नाव रमेश दत्ताराम पेडणेकर, मजे मतलब मेरा पूरा है फुल, नाव मतलब नाम रमेश डैश है, तेरा नाम शिखा है राइट, मजे पूरा है नाव शिखा डैश आहे, यहाँ पे असा आता है, असा व्हाट इज है, असा मतलब या तो है के लिए या तो ऐसा यूज करेंगे या फिर या फिर आपने एक बार बोला था अच्छे ऐसा ऐसा ही आता है, ही आता है, कुछ और नहीं आता। नहीं ऐसा मतलब है, माय फुल नेम इज रमेश दत्ताराम पेडणेकर आहे, व्हाट इज आहे योर नेम, तो मैम, आहे मतलब अगर ऐसा इज है तो आहे। सॉरी आहे मराठी में आता है, सॉरी ऐसा आता है कोंकणी में, ठीक अच्छा, है। इससे पहले मराठी का क्लास था तो आहे जी, व्हाट इज योर यस नेम, तुझे नाव कीते, तेरा नाम क्या है, मजे नाव रमेश, थोड़ा ही फर्क है मराठी और कोंकणी में, मराठी ओके में भी नाव को नाव कहते हैं, माजा माजी माजे मतलब मेरा मेरी मेरे, यहाँ पे महजे है, ह आता है बीच में, ठीक है। वहां पे भी चाची चे मतलब काकी के आता है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुझिया बापाई चे नाव कीते, तेरे पापा का नाम क्या है, माई फादर्स नेम इज दत्ताराम, मजिया बापाई चे नाव डैश,
यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो माझा नाव शिखा शर्मा आहे असा, माझ्या बापायचे नाव दत्तारा असा, ठीक है। व्हाट इज युअर सरनेम, तुझे आडनाव किते, तेरा सरनेम क्या है? अब मैं ग्रामर ही पढ़ाऊंगी ना तो एग्जाम बोर हो जाता है। फ्रेंड्स, तेरे फ्रेंड्स के नाम क्या है, कितने मतलब क्या है? माझ्या इष्टाचे नाव रोहन, माझ्या देख व्हाट इज योर बैंक, मतलब मैं तुझे पूछूंगी तुझ्या बैंकाचे नाव कितने, बैंक का नाम क्या है? माझ्या बैंकाचे नाव IBPS या PNB, समझ आया? अभी तो बैंक अलॉट होगी। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुझिया इष्टिनीची मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे लड़का लड़के होते हैं मस्कुलिन तो इष्टाचे, और इष्टिनीची जैसे हम सहेलिया कहते हैं तो उसकी सहेलियों का नाम क्या है? मुझे इष्टिनीची नाम रोहिणी, मजे होगा या जे होगा, मजे 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 रोहिणी मुझे इष्टनी। यहाँ पे जैसे पीछे इष्टनी चे, चे मतलब हम चे की लगा रहे हैं, डियर काकी के, जिसको मैं फर्स्ट ऑफ ईयर्स कहते हैं। अच्छा, चाची चे जैसे बोलते हैं ना, सैमसंग चा मोबाइल मतलब सैमसंग चे मोबाइल, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल मतलब का के लिए लगता है, ठीक है। मझिया मोबाइल चा नाव सैमसंग, मेरे मोबाइल का नाम सैमसंग है। माझ्या मोबाईलचं नाव सॅमसंग असा, मेरा मोबाईल का नाव सॅमसंग है। माझ्या शहराच्या का नाव, शहराचं नाव नोएडा असा, मेरे शहर का नाम नोएडा है। क्लियर? यस मैम। नोएडा यूपी मध्य असा, नोएडा यूपी में है, मध्य मतलब इन। मुझे इष्टनीचे नाव रोहिणी, मेरी फ्रेंड्स का नाम रोहिणी है, ठीक है। धीरे धीरे कर, कोई जल्दी नहीं, अभी हमारे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, आराम से करना, घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। व्हाट डू यू से, तू कहाँ पे रहता है? हाँ परवरी रावता, मतलब हाँ नोएडा रावता, वी आई एम स्टेइंग इट। हाँ मतलब मैं, मुझे मतलब मेरा, क्लियर? अच्छा हाँ मतलब मैं, मुझे मतलब मेरा। हाँ परवरी रावता, आई एम स्टेइंग इट परवरी, आई एम स्टेइंग इट नोएडा। How family Rata, where does your friend stay? Tujhe, tujho, tujho. East khai Rata. Where does your कहाँ रहते हैं? तुझो east khai, khai मतलब कहाँ पे, Rata. Where they are staying? तो तुझे इस्टी ने मतलब girlfriends कहाँ रहती है? खाए Rata. माझो east, माझी इस्टीन, मेरे मेरा मित्र और मेरी सहेलिया बीरामा Rata, जो यहाँ पे रहते हैं बीरामा में, मेरा मन में रहते हैं। क्लियर? मैं वहां पे तुझो के बजाय तुझे भी लगा सकते, मतलब जिसे हम बोलते हैं ना, तेरा तेरी तेरे, तेरा तेरा फ्रेंड मस्कुलिन, तेरी फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड, पीछे वाले के अकॉर्डिंग करता। मैम तुमचे भी लगा सकते हैं, जैसे तुझो इष्ट, तुझो इष्ट खाए रावते के रावता, या फिर तुमचे इष्ट खे रावता, ये भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको शब्द सिखा रही हूँ अलग अलग तरीके से, मैंने खाई वगैरह सिखाया तो यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ा हो गया। खे मतलब कहाँ कहाँ, वे
वेयर डू योर रिलेटिव स्टे, तुमचे सोयरे खय रावतात, आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, मजे सोयरे फोंडिया रहता, मतलब मजे सोयरे यूपी रहता, मतलब मेरे फ्रेंड रावता, मतलब जैसे होता है ना दे आर के साथ क्या आता है उलटा, कोई भी वर्ब को क्या आएगा तात, तो रावता, क्लियर? ओके, दे आर स्टेइंग एट नोएडा, मजे सोयरे यूपी रावता रहते हैं। तुझो आवे बापू, मतलब आवे मतलब मम्मा पापा खाई रावता, कहाँ रहते हैं, तो मजो आवे बापुई मड़गावा रावता, मेरी माँ बापू मड़गावा में रहते हैं रावता। मड़गावा रावता, ठीक है, अच्छे से पूरा फिर रिवाइज करवा रही हूँ सारा जो हमने कराया, आज जो हमने कराया वो रिवाइज थोड़ा सा याद रहेगा। अच्छा ठीक है, देख आज मैंने शुरू करा, हाउ चौथा आमी चौथा, तू चौथे तुम्ही चौथा, तो ती चौथा ते चौथा, ठीक है। फिर मैंने कराया हाउ धाता आमी धाता, धावता मतलब भेजना, तू धाड़ तू भेज, तुम्हें धाता तो ती ते वह धाता और ते धाता। फिर हमने कराया यहाँ पर हूँ मतलब कौन, वैन मतलब केला, हूँ मतलब कौन, किच मतलब खाएचे और व्हाट मतलब कितने। अब थोड़ा क्लियर हो गया तेरा, अच्छा लग रहा है तू आपको भी। हु इज शी तो कौन, वह कौन है, हु इज ही तो कौन, यह पेन किसकी है, हे कौन आचे पेन, Whom did you give the message? आपको किसने किसको मैसेज दिया, तुम्हें नीरो कौनक दिलो, Which is your book? तुझे पुस्तक खाई चे। मैं बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, पूरा पैरा समझा के नीचे क्वेश्चन आंसर समझाएगा। What is he doing? तो किते करता वह क्या करता है, Of whom are you speaking? तो किसके साथ बात करता है, तू कौनाचे उलाइता। अब देखो वैन मतलब कहना, वाय मतलब कित्याक, वेर मतलब खाए और हाउ मतलब कशे। वैन मतलब कहना, वाय मतलब कित्याक, वेर मतलब खाए, हाउ मतलब कशे। क्लियर? ओके मैम, यस मैम। मजा आएगा धीरे धीरे। व्हाट इज योर फुल नेम, तुझे पूरा नाम की थे, मजे पूरा नाम रमेश दत्ताकर पेडनेकर, मेरा पूरा नाम डैश है। व्हाट इज योर नेम, तुझे नाम की थे असा, तेरा नाम क्या है, मजे नाम रमेश असा, मेरा नाम रमेश है। तुझिया, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तेरे पापा का नाम क्या है, तुझिया बापाचे नाव कीते, माझिया बापाचे नाव दत्ताराम। क्लियर? व्हाट इज योर सरनेम, तेरा सरनेम क्या है, तुझे आड नाव कीते, आड नाव मतलब सरनेम, माय आड नेम, आड नाव मतलब सरनेम इज पेडनेकर, माझे आड नाव, व्हाट इज योर सरनेम, मैम यादव, यादव असा, मेरा सरनेम यादव है। मैम तुझे और तुझिया में क्या डिफरेंस है, तेरा और तुझे, तेरे को, तेरे फ्रेंड्स के नाम तुझिया। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुझिया, मैं क्वेश्चन नहीं समझी, फिर से बोलो,
मैम जैसे ऊपर व्हाट इज योर सरनेम के लिए व्हाट के लिए तुझे लगा था, लेकिन नीचे वाली में टेंथ वाली क्वेश्चन में तुझे लगा है, तो तुझे और तुझे में सरनेम मतलब तेरा मतलब तुझिया मतलब प्लूरल प्रोनाउन, तेरा सरनेम क्या है और तुम्हारा तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं, वो सेंस ज्यादा है ना। अच्छा। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तेरे फ्रेंड्स का नाम क्या है, तेरी सरनेम क्या है, वो सेंस ओके फ्रेंड्स के नाम क्या है, मेरे फ्रेंड्स के नाम रोहन है, समझ आया। या फिर उसके एक ही फ्रेंड है ज्यादा है तो बोल सकता रोहन मोहन, मजे इष्टाचे नाम रोहन मोहन असा, मेरे फ्रेंड्स के नेम डैश डैश है, राइट समझ यस आया। व्हाट इज योर फ्रेंड नेम मतलब गर्लफ्रेंड के नाम क्या है, तुझे इष्टनी चे नाम की पे, मेरी फ्रेंड्स के नाम रोहिणी है, यहाँ पे दो तीन और लग सकते हैं, रोहिणी मेघा असा, मेरी फ्रेंड्स के नाम डैश डैश है, ठीक है। धीरे धीरे करो। वेयर डू यू स्टे, तू खाई रावता है, तू कहाँ रहता है, हाउ परवरी रावता, एक पहले माले में जो रूप है मैंने सिखाया वब के साथ ता लगता है, ठीक है, हाउ वर्ब के रावता, साथ ता लगता हाँ हाउ रावता, हाउ बुलाइता, हाउ बरेता, हाउ चोइता, हाउ दाता, क्लियर। हाउ के साथ कौन सा रूप लगता है, देखो अभी आपने लिखा होगा, के साथ रावता धाता आपका धाता है ना, क्लियर। वेयर डज योर फ्रेंड स्टे, आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं, फ्रेंड्स मतलब ता, यहाँ पे तो ती थे, वह कहाँ रहता है, तू जो इष्ट खाए रावता, तेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, तेरी फ्रेंड रहता कहाँ रहती है, माय फ्रेंड स्टेट सेज मेरा माँ, माँ जो मेरा फ्रेंड और मेरी फ्रेंड मेरी सहेली मेरा मान में रावता रहता है, यहाँ पे रावता मतलब वो रहती है, ही शी इट के साथ ता आया, देखो उलेता चौइता वहां पे भी ता आया। वेयर डू योर रिलेटिव स्टे, यहाँ पे दे आर, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, वेयर दे आर लिविंग, तुमचे सॉयरे खाई रावता, तुम्हारे रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, मजे सॉयरे मेरे रिलेटिव्स फोंडिया रावता, ये देखो तई वाला रूप, ताई उलैतात रावतात, क्लियर, यस ताई बरैतात सिखा था। वेयर डू योर पेरेंट्स स्टे, तुझे आवई बापू खई रावता, तेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, माय माँ बापू कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो माय पेरेंट्स स्टे माँ जो आवई बापू मडगावा रावतात, यहाँ पे भी ताई दे आर लिविंग एट मडगावा, क्लियर, वो करते करते आएगा है ना, इतना ही रखो, कल मैं आधा